खबर है मिर्जापुर से। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना राजगढ़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना राजगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 98/2023 धारा 3/5A/8 गौवध 11 प्रसूत कुर्ता निवारण अधिनियम का वांछित व 50,000 के इनामिया अभियुक्त अजीत पासवान पुत्र सत्यनारायण पासवान निवासी अछोड़ लसरा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र को थाना राजगढ़ क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर पर गोली लगी। जी हां, घायल अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अभिरक्षा में जिला चिकित्सालय मिर्जापुर पर इलाज चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत पासवान उपरोक्त द्वारा घटना प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद मिस कारतूस, एक अदद जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना राजगढ़ पर मुकदमा 157/2023 धारा 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। आज थाना राजगढ़ पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा 50,000 के इनामिया अजीत पासवान को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा एक बाइक बरामद हुई है। यह अभियुक्त लंबे समय से गौ तस्करी के व्यवसाय में संलिप्त था और थाना राजगढ़ से दो मुकदमों में वांछित चल रहा था तथा 150,000 का इनाम घोषित था। अभियुक्त का इलाज जिला अस्पताल मिर्जापुर चल रहा है। घटना के संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियोग कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है।